अपने मन की शांति को दूसरों के व्यवहार से क्यों प्रभावित करते हो? दुनिया बहुत स्वार्थी है। लोगों के लहजे में बच्चेपनी और चेहरे पर नकाब है। कुछ पास आएंगे, कुछ दूर जाएंगे। बहुत ही कम लोग निस्वार्थ प्रेम निभाएंगे। लोग पूरी कोशिश करेंगे तुम्हें रुलाने की, तुम्हारे साथ छल भी करेंगे, तुम्हारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी करेंगे, तुम पर गलत आरोप भी लगाएंगे। गलत आरोपों को लेकर कभी भी चिंतित ना हो। याद रखो, समय का ग्रहण चांद और सूरज भी झेलते हैं। तुम्हारी भक्ति पर भी सवाल उठाएंगे, लेकिन तुम हार मत मानना। मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। मैं हर प्रकार से तुम्हारी सहायता और रक्षा करूँगा। मेरे होते तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। चिंता ना करो, चिंतन करो। चिंतन करने से सब ठीक होगा, मन के विचार कम होंगे। बहुत ज़्यादा पीड़ाओं से गुजरने के बाद और परीक्षाओं में से गुजरने के बाद तुम्हें असीम शांति की प्राप्ति होगी। जितनी कठिन ये रातें होंगी, उतना ही अच्छा तुम्हारा सवेरा होगा। मैं अपने भक्तों को सब कुछ स्थायी रूप से देना चाहता हूँ, इसलिए ये दुख संकट अस्थाई है। जो मेरा नाम ध्यान करते हैं वो मुझे प्रिय हैं। जो ईश्वर चरणों में समर्पित हैं उनके साथ बुरा कैसे हो सकता है? उनका बुरा कौन कर सकता है? डरो नहीं, ध्यान करो। ध्यान से शांति मिलेगी। ढाल बनकर खड़ा हूँ, तुम्हारा कल्याण होगा। बस कुछ दिन और दुख है तो क्यों सबको बताते हो? क्यों सबका कंधा मांगते हो? यहाँ कोई मरहम नहीं लगाता, सबके पास नमक होता है। अपनी बातों से वो दुखों को और बढ़ाते हैं। कभी दर्द ऐसा नहीं हो जाए तो मेरे साथ साझा करो। रोना है तो मेरे सामने रो, राहत मिलेगी। श्रद्धा से बुरी रखो, चिंता मत करो। जीवन की ठोकर चलना सिखाती है, ये सच्चाई है। ठोकर से हारो मत, फिर से उठो। नई ऊर्जा उमंग लेकर प्रगति के आसमान की तरफ उड़ान भरो। लेकिन आसमान की तरफ उड़ान ऐसे भरो कि पैर जमीन पर हो, नहीं तो अहंकार की अनेक उड़ानें अंत में धाराशाही होगी। मुझे सत्य बहुत प्रिय है, उसे आचरण में लेकर आओ, तुम्हारा कल्याण होगा। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज स्वयं ईश्वर करते हैं। जीवन में कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आए, किसी बुरे व्यक्ति का एहसान मत लेना। आपको इसकी महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब मैं तुम्हारी जिंदगी में हूँ तो किसी के आगे हाथ क्यों फैलाना? मैं कल्याण करूँगा तुम्हारा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, चिंता मत करो, आगे बढ़ते रहो, सच्चाई का दामन पकड़े रहो। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा।